जितने भी हमारे जाहिरी आमाल हैं उनका एक तो जाहिरी जिस्म है, जाहिर है जो आंखों से नजर आता है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, आंखों से देख सकते हैं कि भाई वो नमाज पढ़ रहा है। और ये भी देख सकते हैं कि इत्मीनान से पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। ये भी देख सकते हैं कि वो उसके आज़ा और जवारे जो हैं नमाज के अंदर, वो खुजू यानी अल्लाह ताला के आगे झुकने के बस से मुत्तसिफ हैं या नहीं है। ये आदमी खुद भी अंदाजा लगा सकता है। एक आदमी जब नमाज पढ़ रहा होता है, अगर बेपरवाह है तो उसका ये जो आंखें हैं, कभी दाएं वो सामने देख रही हैं, कभी नीचे देख रही हैं, कभी खुजा रहा है, कभी ढीला ढाला खड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी, तो ये खुजू जिसको कहते हैं कि अल्लाह ताला के आगे झुक जाना, अपने आज़ा को झुका लेना, तो वो उसके अंदर है या नहीं है अपने आंखों से देख सकते हैं। कोई ऐसा आदमी नजर आता है जो जिसको देख के मालूम होता है कि ये अल्लाह ताला के आगे पूरा झुका हुआ है, तो उस पर रश्क आता है कि अल्लाह ताला ने उसके उसको ये तौफीक अता फरमाई। तो ये सारे आमाल ऐसे हैं कि जो आंखों से नजर आ जाते लेकिन इन आंखों से नजर आने वाले आमाल का की एक रूह है। जैसे कि इंसान के जिस्म के अंदर एक रूह होती है कि जब तक वो रूह है उस वक्त तक वो जिंदा समझा जाएगा, और रूह निकल जाएगी तो वो मुर्दा हो जाएगा। हालांकि जब रूह निकल गई तो बजाहिर देखने में तो सारे अहज़ा व जवारे वही है, कान है, आंख है, नाक है, सर है, हाथ है, पांव है, जिस्म है, सब नजर आ रहा है, लेकिन रूह निकल गई। तो रूह निकल जाने का मतलब क्या हुआ कि अब वो एक लाश है, अब उसको नाम भी उसका नहीं लेंगे। अगर फर्ज करो किसी के वालिद का इंतकाल हुआ तो और उनके नाश को ले जाना है कहीं इधर से उधर, तो ये नहीं कहेंगे अब्बा अब्बा को उठा लो यहां से, क्या कहेंगे? मैयत को उठा लो, मैयत को उठा लो, नाम भी खत्म हो गया। जो जिस रिश्ते के साथ उनको पुकारा करते थे वो रिश्ता भी खत्म हो गया, उस रिश्ते के हवाले से भी उसको उनको पुकारा नहीं जा रहा कि मैयत था, मैयत आ जाए, मैयत को ले आओ, मैयत को जाना जा, मैयत को यहां रख दो, मैयत के ऊपर को जनाजा पढ़ लो, वगैरह वगैरह, नाम ही बदल गया। सिर्फ क्या फर्क पड़ा? बजाहिर तो देखने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रूह निकल गई। तो रूह के निकलने से वो एक बेजान जिस्म हो गया। अब उसको चाहे काफूर लगाओ, चाहे उसको खुशबू लगाओ, चाहे उसको को सिंगार करो, कुछ भी करो, लेकिन वो एक बेजान जिस्म है, उसमें रूह खत्म हो चुकी। तो इसी तरह ये आमाल जो हम अंजाम देते हैं, चाहे वो नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे जकात हो, इनका एक जिस्म है, जाहिरी जिस्म है कि हम खड़े हो गए अल्लाह ताला के सामने, लेकिन इसकी एक रूह है। रूह क्या है कि खुशू, नसर नमाज की रूह क्या है? खुशू है। तो खुशू जब तक नहीं होता तो गया उसके अंदर रूह नहीं है नमाज में। नमाज है और अगर खुशू नहीं है, नहीं है, तो किसी मुफ्ती के पास जाओ तो
तो फतवा तो दे देगा कि नमाज हो गई, क्योंकि फतवा जाहिर के ऊपर दिया जाता है, हो गई नमाज। लेकिन किस दर्जे हुई और अल्लाह जल्ला जलालू की बारगाह में उसकी क्या कदर व कीमत है, खुशू हासिल हुआ या नहीं हुआ, ये देखने वाला पता नहीं लगा सकता। ये अंदर का काम है, दिल का काम है। दिल अगर मुतवज्जे है अल्लाह जल्ला जलालू की तरफ, दिल अगर मुतवज्जे है इस बात की तरफ कि मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा हूं, किसी बड़ी बारगाह में हाजिर हूं, तो इसका माना यह कि इस अमल के अंदर रूह भी है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब यह कि वो जाहिरी जिस्म तो है लेकिन अंदर से रूह मौजूद नहीं। यही हाल सारे आमाल का है, और इसीलिए बहुत से आमाल वो हैं जो रूह से ताल्लुक रखते हैं। रूह का मरकज है कल्ब, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का मरकज कल्ब को बनाया। तो दिल जो है उससे मुताल्लिक बहुत से अहकाम अल्लाह तआला ने अता फरमाए। ये दिल जो है ना, यही ऐसी एक मुस्तकिल दुनिया है। दिल सिर्फ एक जिस्म का लोथड़ा, उसका गोश्त का लोथड़ा ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक जहान है। जहान है ख्यालात का, तसव्वुरात का, जज्बात का। यहीं से अच्छे जज्बे पैदा होते हैं, यहीं से बुरे जज्बे पैदा होते हैं, यहीं से इंसान जो है वो उसके अंदर अखलाक हसना परवरिश पाते हैं, और यहीं अखलाक रजीला का इज्तिमा होता है। ये एक अल्लाह ताला ने ये बातिनी दुनिया बनाई है, दिल की दुनिया। उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने उससे मुताल्लिक कुछ अहकाम अता फरमाए, जैसे नमाज के जाहिर को दुरुस्त करने के लिए फिक्ह के अहकाम है, पूरी पूरा इल्म है फिक्ह का। उसमें बताया जाता है कि नमाज किस तरह होती है, कौन सी चीजें उसको तोड़ देती हैं, कौन सी चीजें उससे, कौन सी उसमें सुन्नतें हैं, कौन से उसमें फराइज हैं, कौन से उसमें मुस्तहबात हैं। तो इसी तरह जो बातिनी आमाल है, जिनको अखलाके बातिना कहना चाहिए, उसके मुताल्लिक भी बहुत से अहकाम मुताल्लिक हैं। लोगों को ये तो पता है कि मसलन के नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज की असल रूह जो है खुशू, उसके बारे में पता तो है, मगर यह कि वो हासिल नहीं होती। किस तरह हासिल हो, उसका तरीका क्या हो, ये बताएंगे कौन, अहले तरीक। अगरचे है ये भी शरीयत ही का हिस्सा, लेकिन इम्तियाज के लिए, दो हिस्सों को अलग अलग बयान करने के लिए, एक को शरीयत कहते हैं, एक को तरीकत कहते हैं। ज़ाहरी आमाल से मुताल्लिक जो अहकाम हैं वो शरीयत कहलाते हैं उर्फ आम में, और जो बातिन से ताल्लुक रखने वाले अहकाम हैं उनको तरीकत या तसव्वुफ या एहसान या सुलूक मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। है असल में वो भी शरीयत का हिस्सा। अब आप देखें कि जिस तरह मिसाल के तौर पर इंसान के जिम्मे यह है कि वो शराब न पिए, खिंजीर न खाए, हराम चीजों की तरफ न जाए, तो इसी तरह हसद भी तो हराम है।
हसद भी तो हराम है और तकब्बुर भी तो हराम है और रियाकारी भी तो हराम है। ये सब कान से आमाल हैं जो दिल से होते हैं। हसद जब होता है तो कहां होता है? दिल में होता है। रियाकारी होती है तो कहां होती है? दिल में होती है। दिखावे का जज्बा पैदा होता है। और अगर तकब्बुर होता है तो कहां होता है? दिल में होता है। असल उसकी जो जड़ है वो दिल में है। तो ये बातिनी गुनाह होते हैं बहुत से और बातिनी फरायद व वाजिबात होते हैं बहुत से। और ये बातिन के जो आमाल हैं ये दर हकीकत अगर देखा जाए तो जाहिर के आमाल की बुनियाद होते हैं। जाहिर के आमाल भी उस वक्त दुरुस्त होंगे जबकि बातिन दुरुस्त होगा, जब आदमी के अखलाक जो है वो इस्लाह कर किए जा चुके होंगे तो फिर होगा। तो इसलिए जिस तरह फिकह का इल्म हासिल करना जरूरी है बकदर जरूरत तो हर एक इंसान के जिम्मे फर्ज है। और ज्यादा तफसीलात वगैरह उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, मदारिस में उनकी तालीम होती है, उसके लिए बाकायदा दरसगाहें कायम हैं। इसी तरह बातिन के जो आमाल हैं उन बातिन के आमाल जिस इल्म में बयान किए जाते हैं वो कहलाता है तरीकत या तसव्वुफ या सुलूक। लोगों ने तसव्वुफ को पता नहीं क्या क्या तसव्वुरात तसव्वुफ के बारे में कायम कर लिए कि उसमें कोई अहवाल होते हैं, कुछ कैफियात होती हैं, कुछ कशफ होता है, कुछ करामात होती हैं। खूब समझ लें कि इनका तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, तसव्वुफ से या तरीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये असल ना किसी खास तरीके पर जिक्र करने का नाम तसव्वुफ है, ना किसी खास तरीके से कोई अमल करने का नाम तसव्वुफ है। असल तसव्वुफ जो है वो इन अखलाक बातिना की इस्लाह का नाम है। लोग समझते हैं वजीफे, किसी से अगर ताल्लुक हुआ इस्लाही तो वजीफे बताएगा वो और वजीफे पर हमें अमल करना होगा। ठीक है, ये भी होता है मगर ये मकसूद नहीं है। तसव्वुफ का या किसी शेख से रुजू करने का या किसी से इस्लाही ताल्लुक कायम करने का ये मकसूद नहीं है कि वो वजीफे बताए आपको, मामूलात बताए, बल्कि मकसूद क्या है? अखलाके बातिना की तरबियत करना, यह मकसूद होता है कि आया इसके पास पहले बहुत गुस्सा आता था, कमी हुई कि नहीं हुई? पहले यह मगलूब गजब था, दिल में जो गुस्सा पैदा होता था बस उसके आगे हथियार डाल देता था और उस गुस्से के मुक्तज़ा पर अमल करना शुरू कर देता था, मार धार चीख पुकार। अब किसी के घर, किसी के पास गया, किसी शेख के पास, किसी अल्लाह वाले के पास जाकर अपने नफ्स को कुचला। अब इस कुचलने के नतीजे में गुस्सा कितना आता है, गुस्सा कितना आता है। यहां तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फारूक़ आज़म जैसा इंसान, बड़े मुश्ताइल मिजाज ऐसे के जलाली बुजुर्ग, नबी करीम सरवरदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में चंद दिन गुजारे तो क्या हाल हो गया,
कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो इतने नरम आदमी है वो फरमा रहे अज्जबारुन फिल जाहिलियत खवारुन फिल इस्लाम। जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने इरादा किया जिहाद का मानी न ज़कात से, तो इनको तामुल हो रहा था, बल्कि जैश उसामा के मौके पर उसामा हज़रत उसामा का जो लश्कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार किया था उसको भेजा नहीं था कि वफात हो गई, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं भेजूंगा जो हुज़ूर ने जिसको तैयार किया मैं भेजूंगा उसको। हज़रत उमर कहते हैं हालात ऐसे नहीं है, इस वक्त खुद को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है या ऐसी हालत में, तो वो राय पेश कर रहे थे कि अभी नहीं भेजना चाहिए वो लश्कर। और सिद्दीक अकबर कहते थे कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार कर लिया था तो मैं कौन हूं उसको रोकने वाला, नहीं रोकूंगा। तो उस हज़रत फारूक आजम कह रहे थे कि जी अभी जरा मसलहत मसलहत का खिलाफ, तो उस मौके पर हज़रत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा, अज्जबारुन फिल जाहिलियत खवारुन फिल इस्लाम, जाहिलियत में तो इतने तुम जबरदस्त जब्बार थे, बड़े गुस्से वाले थे, इस्लाम में आके इतने बुजदिल हो गए कि मसलहतें सोच रहे हो उस बात के लिए कि जो जिस काम के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह, तो गुस्सा जो था उसको किस तरह काबू किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहकर। अब एक औरत खड़े होकर कह रही है कि उमर तुम्हें कुरान भी नहीं आता कि तुम कह रहे हो कि ज्यादा मेहर न रखा करो औरतों के, तुम्हें कुरान भी नहीं आता, कुरान में है कि आते ही तुम एहदाहुन्ना किन्तारन, कुरान कहता है कि अगर किसी औरत को मेहर के तौर पर एक ढेर दिया गया हो सोने चांदी का तो उसे वापस ना लेना, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं ढेर भी दे सकते हैं और तुम कह रहे हो कि मेहर कम रखा करो। तो खड़े होके मजमे के अंदर कह रही, अब अगर वो जलाल होता फारूक आजम का जो कभी था गुस्सा होता तो क्या होता उसका औरत का हशर, लेकिन फौरन गर्दन डाल दी। क्या है अफसोस कि एक औरत को भी कुरान का मुझसे ज्यादा पता है। तो ऐसे लोग, यह है तज़किया जिसको कहते, जक्की ही वो गुस्सा टूट टूट के टूट टूट के इतनी तवाज़ो में तब्दील हो गया कि दुनिया ने देखा। तो बातिन की तरबियत का मतलब यह है कि उसके अंदर जो रज़ाइल पैदा होते हैं, हसद पैदा हो रहा है किसी से, अब यह बहुत ज्यादा कसीरुल वक़ू चीज है, बकसरत पैदा हो जाता, किसी आदमी को आगे बढ़ते हुए देख के दिल में जलन होने लगती, तो ये बहुत होता है। अब इसका क्या इलाज होगा, किस तरह इसको अपने आप को इसे बचाएंगे, बोझ पैदा हो गया किसी से अलियाज़ बिल्ला, तो उससे कैसे बचेंगे, रियाकारी हो रही है, इखलास नहीं है, कोई काम जो हो रहा है वो दिखावे के लिए हो रहा है, तो ये दिखावा करना ये दिल का एक गुनाह है। बज़ाहिर तो आदमी सदका दे रहा है लेकिन अंदर से वो दिल उसका दिखावे के तरफ माइल है, दिखावे पर लगा हुआ है। तो बेहकीकत है वो सदका जिसकी कोई जिसका कोई अजर भी नहीं।
पैसे भी गए और सवाब भी गए। हदिया, किसी को हदिया देना शादी ब्याह के मौके पे मसलन, असलन तो जायज है बल्कि काबिल तारीफ है, लेकिन अगर कोई शख्स ये काम करे इसलिए कि वही बदले में कर रहा हूं, उसने दिया था लाओ मैं भी करता हूं, ना अल्लाह को राजी करना मकसूद है, ना अपने दिल की कोई ख्वाहिश पूरा करना मकसूद है मोहब्बत वाली, तो ये बातिन का गुनाह हो गया। तो जब किसी शेख के पास बंदा जाता है तो असल जो सबक लेना है वो इन रज़ाइल से बचाना अपने आप को, इनकी इस्लाह करना, और फजाइल यानी तवाज़ो, इखलास, इसार, ये औसाफ पैदा कराने मकसूद है। तो इसलिए ये जितना ज़रूरी यह है कि हम नमाज का तरीका सीखें, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि उसके जो बातिनी सिफात हैं उसको सीखें, उसकी तरबियत हासिल करें। जितना ज़रूरी यह है कि अपने आप को, निगाहों को बचाएं, दिल को बचाएं और कानों को बचाएं, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि हम अपने आप को हसद से बचाएं, रियाकारी से बचाएं, बोझ से बचाएं, तकब्बुर से बचाएं। तो इसलिए ये एक मुस्तकिल इल्म है और इस इल्म का मसला दूसरे इल्म से ये मुख्तलिफ है कि जो ज़ाहरी चीज़ों का जो इल्म होता है वो पढ़ा दिया, समझ में आ गया, अब करने वाला कर रहा है नहीं कर रहा है वो जाने, लेकिन ये जो है बातिन वाला इल्म ये सिर्फ पढ़ाने से नहीं आता, इसकी तरबियत देनी पड़ती। लिहाजा अब अल्लाह के नाम पर ये थोड़ा सा जो दिन बाकी हैं इनके अंदर कोशिश करूँगा कि अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करूँगा कि इन अखलाक बातिना का कुछ जिक्र हो जाए, किस तरह ये पैदा होते हैं, क्या इनका इलाज होता है, किस तरह बुज़ुर्गों ने इनकी तरबियत की है, इसकी थोड़ी सी तफसील इंशाल्लाह रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल व करम से इखलास के साथ, सिद्क़ के साथ बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उसका फ़ायदा हम सबको पहुँचाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।